इतना कम है गंजे पहन के शिकार होने की, जो बल्कि मर्द हजरात जो हैं वहाँ हम देखते हैं कि नस्बतन ज़्यादा शर है गंजे पहन के शिकार होने। 90% पैटर्न लॉसेस जेनेटिक्स और हार्मोनल होते हैं। वो जो हार्मोन बाल गिराता है, आप देखें 90% इज बिग रेशो, ठीक है। 10% जो है ना वो कॉमन काजेज होते हैं इन बोथ जेंडर्स। तो 90% जब हम कह रहे हैं हार्मोन और जेनेटिक्स से आ रहे हैं, तो आप समझें वो हार्मोन इज प्रेजेंट मोस्टली इन द मेल्स, ठीक है। सही। वो फीमेल में नहीं होता या कम होता है, ठीक है। तो वो मेल जेंडर ज़्यादा इसके लिए प्रोन है, उसको ज़्यादा अफेक्ट होता है, फीमेल में नहीं होता। तो दिस इज़ दी ओनली रीज़न, अदरवाइज जितनी परसेंटेज फीमेल की आती है 2-3% और 4% ऑफ द मेल रेशो, वो जनरल कॉजेज से आती है। फॉर एग्जांपल फीमेल में बहुत सारे 3 मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं जो मेल में नहीं है। वो मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या होते हैं? 1, एनीमिया, ब्लड लॉसेस जो होते हैं। ब्लड लॉसेस, अगर एवरी फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम ब्लड लॉसेस और उसकी ब्लड की हीमोग्लोबिन या उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है इन द ब्लड तो इन द बॉडी, तो आप समझें कि वो अफेक्ट करती है हेयर लॉसेस, और हेयर लॉसेस उससे बहुत ज़्यादा होते हैं। द अदर कॉजेज थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन कॉमन कॉज है इन फीमेल हेयर लॉस में। 3rd इज गायनेकोलॉजिकल हारमोन्स। अब गायनेकोलॉजिकल हारमोन्स ऑब्वियसली दे आर रिलेटेड टू द फीमेल जेंडर, एंड उसकी इम्बेलेंसिंग जो है ना, इट इज़ द मेजर कॉज ऑफ हेयर लॉस। वेन एनीबॉडी गोज टू मेजर स्ट्रेसेस और मेजर सर्जरी, सर्जिकल प्रोसीजर्स, उसके 2-3 माह बाद बाल गिरने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, एंड फीमेल आर अगेन द मेजर सफरर्स। उसमें क्या होता है कि फीमेल ऑब्वियसली मल्टीपल प्रेगनेंसीज में जा रही हैं, मल्टीपल प्रोसीजर्स हो रहे हैं, मल्टीपल स्ट्रेसेस आ रही हैं, उनमें टीलोजन एफ्लूवियम ज़्यादा होता है, बाल ज़्यादा गिरते हैं उस डिजीज़ में, और वो परमानेंट टीलोजन एफ्लूवियम में भी कन्वर्ट हो जाता है। यूजुअली तो ये होता है वो 90 डेज में गिरते हैं और अगले 120 डेज में दे स्टार्ट कमिंग बैक। अगर वो ट्रीटमेंट नहीं हो प्रॉपरली, उसका प्रॉपरली बैकलैश नहीं हो कि आप समझें कि उसको प्रॉपर आपने आयरन थेरेपी नहीं दी, आप प्रॉपर उसकी न्यूट्रिशन नहीं की, आप प्रॉपर उसका केयर नहीं किया, तो देन इट कैन बिकम द परमानेंट एफ्लूवियम। ओके, उसमें ये होता है परमानेंट लॉसेस हो जाते हैं। अगेन वी कैन गो फॉर द हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी इन मी इन फीमेल्स लाइक एन एनीमिया, लाइक एन टीलोजन एफ्लूवियम लाइक दिस, बट इन केस ऑफ थायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म, गायनेकोलॉजिकल हार्मोन इम्बेलेंसेज, उसमें ये होता है कि फर्स्ट यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट अकॉर्डिंगली, देन गोइंग यू शुड बी गोइंग फॉर द हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी।